Even one of my friend, he says, maybe you got some sin and God punish you. I said, thank you very much, bhai. क्योंकि जब मैं बाहर जाता था लोग देखते थे तो मुझे भी वो क्या कहते हैं शर्मिंदगी सी ऐसी कैफियत सी मेरी जिंदगी मेरे अंदर आती थी. मैं खुद अपने आप को महसूस करता था कि यार लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं. इवन के मेरे दोस्त ने भी कह दिया क्या कहा था कि हो सकता आपने गुनाह किया है और खुदा ने तुम्हें सजा दी है. मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम. Even I met one Christian lady, and when I met her, she said, if I will be like this, like you, maybe I got my suicide. A Christian lady ke saath main mila jab, to uske comments maine sune to main bahut hairan ho gaya. Usne kaha ki agar mere saath aise hota, to main to khudkushi kar leti. But one thing we need to understand. This is God created. Hallelujah. ये खुदा ने बनाया है, इंसान ने नहीं बनाया. कुछ लोग मुझसे भी इससे भी उनके चेहरे उनको दूसरी इवन वी रिमेंबर समथिंग और वी नो व्हेन वी गो टू द पब्लिक देयर आर सो मेनी पीपल दे हैव मेनी मोर मिजरेबल डिजीजेस दैट हैपन इनटू देम. जब हम लोगों को देखते हैं कुछ लोगों को तो मुझसे भी बुरी बुरी बीमारियां लगी हुई हैं, but still they are exist in the world. And I learned something that I say, thank you Jesus, whatever happened. I don't care what people think. तब मैंने ये चीज सीखी कि मुझे खुदा का क्या करना है, शुक्र अदा करना है. What happened? कुछ भी हो जाए, I'm still alive. Hallelujah. Amen. I'm still alive and I give thanks to the Lord. Still when I go into a new places, maybe sometimes people think, what happened to his face? But I still remember, God says, I am with you. Hallelujah. Amen. मैं एक चीज जानता हूँ खुदा ने कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ क्योंकि ये चेहरा मैंने बनाया है. Hallelujah. Amen. And nothing. If people says, don't care, because I am with you. Hallelujah. Amen. And the next is thanksgiving is a superpower. ये शुक्रगुजारी क्या है? ये superpower है. जब आप खुदावंद के सामने और इंसानों के सामने जब आप उनका शुक्रिया अदा करते हैं, आप खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, तो ये आप में एक power है. Hallelujah. Hallelujah. Amen. It means that whatever the expenses comes in our life, we don't need to be care. क्योंकि हमें खुदा ने सिर्फ एक वर्ड दिया है, वो क्या जी? शुक्र अदा करो. क्या करो जी? शुक्र अदा करो. You have to thanks give to your father, your mom, your sisters, your brothers. Whenever they give you something, you always You don't need to complain. कि एक चीज हमें याद हमें खुदावंद से सीखनी है कि हमें अपने बाप बाप का क्या करना है जी? शुक्र अदा करना है. हमें अपने भाई बहनों का शुक्र अदा करना है और कंप्लेनिंग नहीं करनी. Even I remember one person is always complaining. हालांकि मुझे अभी भी याद है हमारे एक बहन वो हर वक्त कंप्लेनिंग से करती रहती है. टुडे शी नीड टू लर्न. आज उसे सीखने की जरूरत है कि मुझे क्या करना है? शुक्र अदा करना है. थैंक यू कहना. थैंक यू भाई जो भी मेरे लिए आपने किया है. देन योर लाइफ विल बी चेंज. आमीन. तो आपकी जिंदगी क्या होगी जी? चेंज. बदल जाएगी. चेंज हो जाएगी. चेंजिंग जब आप चेंज होते हैं इसका मतलब यह है कि खुदा ने आपको एक चांस दिया है. God has given you a chance to change your habit. That everybody who don't love you but later he gonna love you because of your changing behavior. Hallelujah. Amen. जब आप ये शुक्र गुजारी करना सीख जाएंगे तो जो आपको पसंद नहीं करते
वो भी कहेंगे शुक्रिया. हालेलुया आमीन. इट मींस वी नीड टू लर्न बिकॉज गॉड इज विद अस. हालेलुया आमीन. क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है. आमीन. खुदावंद हमें बरकत देता है. आमीन. और खुदावंद चाहता है कि हम अपने दिल को शुक्रगुजारी का दिल बनाए. आमीन. सख्त दिल ना हो. आमीन. झगड़ा करने वाला दिल ना हो. आमीन. जेलसी करने वाला दिल ना हो. आमीन. बल्कि शुक्रगुजारी करने वाला दिल हो. हालेलुया आमीन. दैट आवर हार्ट शुड बी अ ग्रेटफुल हार्ट फॉर एवरीथिंग दैट कम इनटू आवर लाइफ. आमीन. कि जो कुछ भी हमारे जिंदगी में आता और जाता है हम उसका क्या करना है? शुक्र अदा करना है. क्योंकि खुदावंद हमें बरकत देता है. खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है. और खुदावंद चाहता है कि हम अपने एटीट्यूड को बदलें. हालेलुया आमीन. इवन हियर वी ऑलरेडी नो दैट इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 18-20 बट द बाइबल सेज एंड डू नॉट गेट ड्रंक विद वाइन फॉर दैट इज डिबॉचरी बट be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to the Lord, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Ayam padte hain. और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बच चलनी वाक्य होती है बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मजामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो. आमीन. और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो. हालेलुया आमीन. कि खुदा बाप का हमें हर एक हालत में शुक्र अदा करना है. सोते में, बैठने में, सफर करने में, चर्च में, घर में, हर एक बात में हमें खुदा का शुक्र अदा करना है. एंड देन आवर हार्ट विल बी चेंज एंड यू ऑलवेज स्माइल. राइट. जब आपका हार्ट का जब आपका दिल खुश होगा तो आपके मुंह पे स्माइल आएगी. फिर रोना आएगा. स्माइल स्माइल आएगी. स्माइल आएगी. एंड स्माइल मींस दैट यू आर हैप्पी गाय. हालेलुया आमीन. नाउ लेट्स आवर क्लोज आवर आईज एंड लेट अस प्रे. आइए हम दुआ करें. अपने आंखों को बंद करें. कुदूस कुदूस जिंदा जलाली बाप इसमें हम तेरा शुक्र चाहते हैं आज के दिन के लिए, इस मौका के लिए जो तूने हमें अता किया है. फादर गॉड वी आर सो थैंकफुल फॉर दिस मोमेंट एंड फॉर दिस लाइफ दैट यू हैज गिवन अस टुडे. And Father God, I pray for those who are here and they listen to the message, Father God, to change their heart and put your spirit in their heart that they will be never the same anymore. Kya khuda baap yesu aaj ke zinda paaklam ke wasile se main barkat de hamare dilon mein apni mohabbat aur thanksgiving dil ata kar ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले. एंड फादर गॉड हु आर नॉट कम वी प्रे दैट यू कैन हेल्प एंड ब्लेस देयर लाइव्स. और खुदा बाप जो नहीं आ सके उनके लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं अपना मसा थाड़ कर. और फादर गॉड वी प्रे फॉर आवर वर्ल्ड विजन चर्च. वी प्रे फॉर आवर सेवियर ऑफ द वर्ल्ड फेलोशिप इंटरनेशनल. फादर गॉड टू ब्लेस अस दैट मोर पीपल कम एंड मोर पीपल सेव बाय योर वर्ड. खुदा बाप यीशु हम अपने वर्ल्ड विजन चर्च और सेवियर ऑफ द वर्ल्ड विजन फेलोशिप को तेज में लाते हैं. हमारे तमाम मस्जिदों को जो यहाँ इकट्ठे हैं एक एक को बरकत अता कर अपना मसा अता कर अपना जलाल अता कर ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और तेरे कलाम से बरकत हासिल करें. आमीन. एंड फादर गॉड वी आर सो थैंकफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैज डन इन आवर लाइफ. और खुदा बाप यीशु हम तमाम बातों का तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी मेहरबानी चाहते हैं. आई प्रे इन जीसस नेम. सब कुछ मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से. आमीन.